हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर ब्रेनरी। डिजिटल साइंस एमसीक्यू सीरीज के 67th पार्ट में स्वागत है। आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेबी पोटैटो इज ए वैरायटी ऑफ। बेबी पोटैटो जो है वो किसकी वैरायटी है? बेबी पोटैटो जो है दैट इज द वैरायटी ऑफ लिमा बीन की वैरायटी है, और ये बुश टाइप वैरायटी है लिमा बीन की। द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन ब्रॉड बीन आर, ब्रॉड बीन में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? विसिन, कॉनविसिन, टैनिंस, ऑल अफव। तो ये सभी जो है वो ब्रॉड बीन में प्रेजेंट है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं। द राइट आंसर इज डी। और इन्हीं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के कारण आपका जो फेविज्म होता है, जो कि एक डिसऑर्डर है ड्यू टू ब्रॉड बीन की वजह से, तो कुछ लोगों में वो डिसऑर्डर होता है फेविज्म जो है, तो डेट इज मेनली विसिन, कॉनविसिन, टैनिंस जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं उसकी वजह से भी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा उदित एंड पूसा सुमित आर वराइटीज ऑफ। पूसा उदित और पूसा सुमित ये दोनों किसकी वराइटीज हैं? दीज आर द वराइटीज ऑफ ब्रॉडबीन की वराइटी हैं दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवाबीन इज ए पार्शियली एलोगामस डिप्लोइड स्पीसीज विथ डैश पेयर्स ऑफ रिमार्केबली लार्ज क्रोमोसोम्स। तो फेवाबीन मीन्स ब्रॉडबीन को ही हम फेवाबीन बोलते हैं, वीसीएफ फेवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो फेवाबीन जो एक एलोगामस, पार्शियली एलोगामस डिप्लोइड है, मीन्स लगभग ऑफन क्रॉस मिलेटेड टाइप वेजिटेबल है, तो पार्शियली एलोगामस डिप्लोइड स्पीसीज है विद कितने पेयर ऑफ इसमें लार्ज क्रोमोसोम होते हैं, जिसका राइट आंसर है आपका बी 6। यानी कि पेयर पूछे तो 6 पेयर होते हैं, टोटल डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n = 2x = 12 होते हैं, तो 6 पेयर ऑफ लार्ज क्रोमोसोम होते हैं, राइट आंसर इज बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेविज्म डिसऑर्डर इज लिंक्ड विद, तो अभी हमने डिस्कस भी किया था फेविज्म जो है दैट इज लिंक्ड विद ब्रॉड बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द की जीन लिंक्ड विद डेवलपमेंट ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन ब्रॉड बीन इज। ब्रॉड बीन में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं टैनिंस, विसिन, कॉनविसिंस, तो उससे कौन सा जीन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ब्रॉड बीन में? द राइट आंसर इज आपका ए, BC1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मार्स स्पॉट इन पी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। पी में जो मार्स स्पॉट होता है वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, मैंगनीज की। कसावा वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कसावा सबसे पहले इंडिया में कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडिया में जो सबसे पहले कसावा इंट्रोड्यूस किया गया था, केरला में इंट्रोड्यूस किया था, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज सेगमेंटल एलोटेट्राप्लॉइड। इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो सेगमेंटल एलोटेट्राप्लॉइड है नेचर में? राइट आंसर इज ए, कसावा जो वो सेगमेंटल एलोटेट्राप्लॉइड होता है। क्रेंस एनाटॉमी इज टिपिकल टू डैश प्लांट्स। जो क्रेंस टाइप एनाटॉमी होती है वो कौन से टाइप की प्लांट शो करते हैं? C4 प्लांट जो होते हैं वो क्रेंस एनाटॉमी शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेक्टर ऑफ रेडिश मोज़ेक वायरसेस। जो रेडिश मोज़ेक वायरस है उसका वेक्टर क्या है? रेडिश मोज़ेक वायरस का वेक्टर है एफिट। पूसा बिपाशा ऑफ पी इज रेजिस्टेंट टू। पूसा बिपाशा जो गार्डन पी की वैरायटी है, और ये जो वैरायटी है दिस इज रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज, पूसा पार्वती ऑफ फ्रेंच बीन इज रेजिस्टेंट टू। पूसा पार्वती फ्रेंच बीन की वैरायटी है, और ये जो वैरायटी है दैट इज रेजिस्टेंट टू पॉडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीफ स्पॉट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पालक इज। पालक में जो लीफ स्पॉट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि अर्का अनुपमा एंड पंत कंपोजिट वन, ये दोनों जो है वो लीफ स्पॉट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं पालक की। नेक्स्ट इज, टू मेजर द GCA यानी कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम कौन सा क्रॉस करेंगे? तो राइट आंसर है आपका सी, बोथ ए एंड बी। पॉली क्रॉस भी कर सकते हैं हम, टॉप क्रॉस भी कर सकते हैं अगर हमें जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी मेजर करनी है। एंथोसाइन रिच वैरायटी ऑफ रेडिशेस, इनमें से कौन सी वैरायटी है रेडिश की जो एंथोसाइन रिच है? पालम हृदय, पूसा जामुनी, पूसा गुलाबी, तो ये तीनों जो है एंथोसाइन रिच है, राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज, द लॉन्जिविटी ऑफ डैश सीड्स इज अप टू 1 ईयर। इनमें से किस क्रॉप के सीड की जो बायबिलिटी है, लॉन्जिविटी है, वो 1 साल तक होती है? तो राइट आंसर इज ए, अनियन। मेल स्टडी इन ब्रिंजल वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। ब्रिंजल में जो मेल स्टडी है सबसे पहले किसने रिपोर्ट की थी? जैस्मिन ने 1954 में रिपोर्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूसा 64 इज ए वैरायटी ऑफ। पूसा 64 किसकी वैरायटी है? ये आपकी केल की ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। पूसा टोमेटो प्रोटेक्टेड वन इज ए डैश वैरायटी ऑफ टोमेटो फॉर पॉलिश कंडीशन। पूसा टोमेटो प्रोटेक्टेड वन जो है वो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है टोमेटो की,
जो कि पॉलियस कंडीशन के लिए सुटेबल है और IRI को द्वारा डेवलप की गई है। राइट आंसर इज BOP यानी कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। सो दिस इज ऑल टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कैंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।